माँ और बेटा बहे पिंडर नदी में। चमोली जिले के विकासखंड देवाल के अंतर्गत अंतिम गांव हरमल के पास पिंडर नदी पर ग्रामीणों के द्वारा डाले गए लकड़ी के पुल को पार करते हुए रामपुर तोरती गांव की एक महिला और उसका बेटा पिंडर नदी में बह गए। वहीं अभी तक किशोर का कुछ पता नहीं चल पाया है, जबकि महिला का शव ग्रामीणों द्वारा निकाल दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे सुदूरवर्ती गांव देवाल के हरमल गांव के पास ग्रामीणों के द्वारा पिंडर नदी पर आर पार जाने के लिए लकड़ी का पुल बनाया गया था, जिसको पार करते हुए देवाल ब्लॉक के रामपुर गांव निवासी हेमा देवी उम्र 35 वर्ष, पत्नी प्रताप राम एवं प्रवीण कुमार उम्र 15 वर्ष, पुत्र प्रताप राम संतुलन खोकर पिंडर नदी में जा गिरे और नदी के तेज बहाव में बह गए। नलदोरा के राजस्व उप निरीक्षक प्रदीप नेगी ने बताया कि महिला का शव हरमल के ग्रामीणों ने निकाल दिया है, जबकि किशोर का पता नहीं चल पाया है, जिसकी सूचना तहसील और जिला प्रशासन को भेज दी गई है। रात अधिक होने के कारण सुयालकोट में सड़क ठीक न होने एवं सड़क से करीब 8 किलोमीटर अधिक दूरी पर घटनास्थल होने के कारण सुबह टीमें घटनास्थल के लिए रवाना होंगी। वहीं बताया जा रहा है कि महिला का मायका बागेश्वर जिले के किलपारा गांव में है। वे पिछले दिनों अपने लड़के के साथ पूजा के लिए अपने मायके गई थी और वापसी में यह हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि 2013 में आपदा में हरमल में बना यह पुल पिंडर नदी के आपदा में भेंट चढ़ गया। तब से ग्रामीण लकड़ी के बने हुए पुल से आवागमन कर रहे हैं। देवाल से हरेंद्र बिस्ट की रिपोर्ट।